आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी टेस्टी कोफ्ते। तो चलिए फिर इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। हम एक बड़ी लौकी को कस लेंगे और उसमें 3 बड़े चम्मच बेसन डालेंगे, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच खटियाई, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। अब हम अपने पेस्ट में 1 चम्मच बेसन और मिलाएंगे, 2 हरी मिर्चों को बारीक काट कर इसमें मिला देंगे। हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें सरसों के तेल को गरम कर लेंगे और जो हमने पेस्ट तैयार करके रखा है उसके हम बॉल्स बना लेंगे। अब हमने जो बॉल बनाई है उन्हें हम सरसों के तेल में तल लेंगे। हमारे जो कोफ्ते हैं वो अच्छी तरीके से सिक कर तैयार हैं। दो बड़े चम्मच तेल लेंगे और उसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे। अब हमारा जीरा पक गया है तो अब हम इसमें 2 प्याजों का पेस्ट डाल देंगे। उसके बाद इसे एक बार अच्छे से मिलाएंगे। 2 टमाटरों का पेस्ट बना के डाल देंगे और उसे भी अच्छे से मिलाएंगे। 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर डालकर इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें 2 ग्लास पानी मिलाएंगे। अब पानी मिलाने के बाद हम इसे उबाल आने तक पकाएंगे। अब हमारी सब्जी में आ चुके हैं उबाल। अब हम इसमें कोफ्ते मिला देंगे और 6 से 7 मिनट के लिए और पकाएंगे। हमारी टेस्टी टेस्टी कोफ्तों की सब्जी बिल्कुल तैयार है।